जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको बतलाऊँगा कि यदि आपके सामने कोई मरणासन्न व्यक्ति हो तो आप ऐसा क्या उपाय करें कि मृत्यु के पश्चात उसकी दुर्गति न हो। आज मैं इस विषय पर आपको जानकारी देने आया हूँ। ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में उठना बैठना है आपका, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ। कई बार एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी घर का या अपने ही घर का कोई बुजुर्ग मरणासन्न होकर शैया पर पड़ जाता है, मृत्यु के बिल्कुल समीप। और तब उस स्थिति में घर वाले घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, आनन फानन में कुछ सूझता नहीं। तो आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बतलाने जा रहा हूँ जिन उपायों से आप उन मरणासन्न व्यक्ति की सदगति कर सकते हैं, दुर्गति से रक्षा कर सकते हैं, जिसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, आप भी जान लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। और कोई उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहली बात कि जब भी आपके समक्ष कोई मरणासन्न व्यक्ति हो तब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम गंगा जल और तुलसी के पत्र की व्यवस्था कीजिए। उन मरणासन्न व्यक्ति के मुख में सबसे पहले एक आचमनी, दो आचमनी गंगा जल डालिए, मुख में तुलसी का पत्र डाल दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तिका उनके सिरहाने रख दीजिए और हो सके तो थोड़ी देर के लिए रामायण अथवा गीता का पाठ करके उन्हें सुनाइए, क्योंकि अंत समय में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। तो इसका प्रभाव पड़ने पर जीवात्मा की अगर बहुत जीवन भर पाप किया हो तो भी कम से कम भयानक दुर्गति से तो वो बच जाता है। अच्छा, अब क्या करना है कि हो सके तो तुलसी की माला गले में डाल दीजिए। यदि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी मृत्यु के प्राप्त होने के पश्चात उसके सिरहाने रखे भगवद गीता की पुस्तक को आप गंगा जी में या किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए, जलाइए मत। फिर आपको क्या करना है कि जब दाह संस्कार का समय हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके भी घर की बात हो सकती है, कभी भविष्य में आपका खुद के घर से पाला पड़ सकता है कि घर के दादा मुखिया गुजर रहे हों, तो उस स्थिति में आपके पास भी ये बुद्धि रहेगी तो काम आएगी। फिर जब दाह संस्कार हो रहा हो तो उस समय कोशिश तो ये कीजिए कि तुलसी की लकड़ियों से ही दाह संस्कार हो। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जीवात्मा सद्गति को प्राप्त करेगी, ऊंचे लोकों में जाएगी। लेकिन यदि तुलसी की लकड़ियों से आप दाह संस्कार न कर सकें तो आपको मृतक व्यक्ति की देह पर कुछ तुलसी की लकड़ियां, कुछ मात्रा में तुलसी की लकड़ियां बिछा देनी है, बस इतना करना है आपको। तो ये हुआ आपका मरणासन्न व्यक्ति के उद्धार का उपाय, ठीक है। ये उपाय आपको भी बड़ा काम देगा और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी जानें। और मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।